साथ तो ठीक है, लास्ट स्टोरी में हमने मैक्स पहला यानी कि मैक्स जो स्ट्रेटजी के बारे में है, ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन पूरी कर ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज पुट डाउन द कमेंट ब्लो, आई विल चेक और वेट करूंगा आपको उसका सोल्यूशन अगर कोई दिक्कत आ रही है। और साथ ही में यार आप लोगों में से काफी ज्यादा लोग वीडियो देखते जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करो जाना, एक तरह सब्सक्राइब किया करो, एक लाइक किया करो, उससे क्या मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ, लोगों को पसंद आएगा कंटेंट और इसी डायरेक्शन में मुझे आगे जाना चाहिए, ठीक है। और ताकि और एक चीज और बताता हूँ, इसमें जितनी ज्यादा मैं चीजें इसमें कवर करते जा रहा हूँ तो हम लोग उतनी ज्यादा मास्टरिंग की तरफ जाते जा रहे हैं, और इसमें काफी डीप कंसेप्ट के साथ मैंने कवर किया है। तो आप लोग अगर नहीं फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, कुछ मिस किए हैं तो प्लीज स्टार्टिंग से बने रहे, ताकि आप लोग वो मेरे ट्यूटोरियल्स के कोड बेस को सही समझ पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ इट्स टाइम टू बी जंप टाइम इनटू सीक्रेट्स। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था हम सीक्रेट्स के बारे में जाएंगे, तो सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली सीक्रेट्स क्या है कि गिटहब में हम लोग कुछ चीजें अपने छुपा के रखते हैं, जैसे हमारे कुछ प्राइवेसी चीजें होती है, जैसे कुछ बैकएंड टोकन हो गए, या फिर कुछ थर्ड पार्टी को हम कॉल करते हैं गिटहब से, यही से तो हम लोग टोकन रखते हैं या फिर कुछ भी सीक्रेट रखते हैं, कोई ईएनवी वेरिएबल रखते हैं जब चाहते हैं कि बिल्ड के टाइम यूज हो, किसी को पता ना हो। ठीक है, तो उसके लिए बना होता है गिटहब एक्सटेंशन सीक्रेट्स का। ठीक है, तो आज हम सीक्रेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, सीक्रेट्स में जानकारी लेने से पहले आपको बताता हूँ जनरली सीक्रेट्स में कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए। जैसे गिटहब की आपकी एक पाइपलाइन जो है चल रही है, जो बैकएंड को कॉल करती है, और बैकएंड आपका सिर्फ ऑथराइज यूजर को ऑथेंटिकेट करके उनके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, तो आपको एक टोकन चाहिए होगा। आप चाहते हैं कोड में टोकन नहीं रखना, कोई भी नहीं रखता आजकल, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो टोकन को सीक्रेट्स में डालना है, और वो टोकन को कैसे कंज्यूम करना है वो आपको बताऊंगा। बट लेट्स गो टू प्लेस वेयर सीक्रेट्स आर। ठीक है, और आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे सेटिंग्स में टाइम जाना है आपको इस रेपोजिटरी के। ठीक है, देन गो डाउन, देन देयर इज अ टैब कॉल्ड सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, देन गो टू एक्शंस। ठीक है, गो डाउन, देयर आर रेपोजिटरी सीक्रेट्स। ठीक है, तो मैंने एक ऑलरेडी डाल रखा है, बट आपको मैं नया रेपोजिटरी सीक्रेट दिखाता हूँ। अगर आप क्लिक करोगे ऐसा होगा आपको इंटरफेस, आपको कोई भी नाम दे रहा है, जैसे मैंने दे दिया डमी सीक्रेट, और यहाँ पे आप कोई वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी, अभी अभी के लिए वैल्यू आपको दिखेगी क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है, कुछ भी, और आप इसको ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करोगे उसको ये लिस्ट डाउन हो जाएगा यहाँ पे। और ये सीक्रेट असेस कैसे होगा वो उससे पहले आप समझिए कि ये दिख रहा है या तो डिलीट होगा या एडिट होगा। अपडेट करोगे यू कांट सी द प्रीवियस वैल्यू। गिटहब में ऐसे इंटरफेस रखा हुआ है, आपको पुरानी वैल्यू नहीं पता होगी, आपको कहीं खुद कहीं और सीक्रेट मैनेजर में जहाँ वैल्यूज दिखते हैं वहाँ पे कैप्चर करके रखनी पड़ेगी, या फिर अगर ये किसी प्लेटफॉर्म से वैल्यू आ रही है आपको वहाँ पे दिख जाएगी लास्ट टाइम की वैल्यू। ठीक है, वो लोग दिखाते हैं क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करके यूज करना चाहोगे। ठीक है, या फिर अपने बैकएंड में जनरेट किया तो बैकएंड में कहीं डेटाबेस में कहीं भी आप एक रैंडम कैश मेमोरी में रन टाइम में रखते हो गए वहां से देख सकते हो लास्ट टाइम, और नई वैल्यू सीधा यहाँ पे आप अपडेट ही कर पाओगे। ठीक है, ऐसे करके पुरानी वैल्यू नहीं देख पाओगे। दैट्स ऑल अबाउट सीक्रेट्स कैसे ऐड होते हैं। तो हम इस स्टोरी के लिए हमें इस लेसन को कंज्यूम करके दिखाता हूँ आपको कैसे कंज्यूम करना है। ठीक है, और ये सेस कैसे होता है, हमने बहुत सी चीजें सेस की हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से ट्यूटोरियल से याद हो, हमने यूज किए थे गिटहब डॉट टोकन, गिटहब डॉट रेपोजिटरी नेम, गिटहब डॉट एक्टर, एक्टर डॉट आई डी, है ना। तो वो जो गिटहब डॉट था, गिटहब प्रोवाइड कर रहा था, गिटहब भी ऐसे ही एक रेपोजिटरी में जब एक्शन चलता है उसके लिए कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है सीक्रेट्स। अब सीक्रेट्स का मतलब क्या है, वो सेम कॉन्टेक्चुअल जगह देखा जाए तो उसमें अंदर सेम चीजें हैं, वो देगा सीक्रेट्स डॉट की का नाम, जो की का नाम होगा लेसन अंडरस्कोर नेम। ठीक है, लेट्स गो टू माय कोड बेस, लेट्स सी हाउ इट विल इंप्लीमेंट। अगर मैं इस जॉब की बात करूं जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है, इसमें मैंने एक नेक्स्ट स्टेप ऐड किया सीक्रेट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये एक नोट स्क्रिप्ट चलाता है वो भी आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या किया हुआ मैंने। बट आप देखिए ईएनवी, आपको ईएनवी प्रोवाइड करवाना है, ये कैसे याद आपको, हम लोग यहाँ पे बीच देते थे इनपुट फॉर ब्रांच बाय डिफॉल्ट इसका टोकन होता। अगर आपको किसी भी अपने स्टेप को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है जो हम ईएनवी देते हैं, ठीक है, वो आपको गिटहब एक्सेस इंडेक्स देता है, ये ईएनवी लिखना है आपको ऐसे, और ईएनवी वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू कैसे आएगी। आइए मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे गिटहब डॉट एक्टर था या इनपुट डॉट था, वैसे आपको सीक्रेट्स डॉट कर देना है, और यहाँ पे सीक्रेट्स डॉट करते ही आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देना जो आपके सीक्रेट का नाम होगा, जो भी नाम होगा। और ये साइड का नेम जरूरी नहीं है वही हो जो आप इस साइड रख रहे हैं, मैं तो बस एक कंसिस्टेंसी के लिए रखता हूँ ताकि मुझे आसानी लगे वहाँ पे भी जो नेम है अंदर भी कोई डेटाबेस कोड बेस में कंज्यूम करूंगा। ठीक है, और ऐसे ई एन वी लिखने से ये एज अ स्क्रिप्ट के लिए ई एन वी इंजेक्ट होगा। तो अगर ये नोड जैसे स्क्रिप्ट है तो इसको कैसे यूज कर पाएंगे हम लोग, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट लेसन नेम। और ये वैल्यू कब आएगा, गिटहब फेच करके लाएगा जब ये जॉब चलती होगी, जब यहाँ पे स्टेप पे आएगा गिटहब सीक्रेट्स में से ऑटोमेटिक को इंजेक्ट कर देगा इस वेरिएबल के लिए, इस एनवायरमेंट को प्रोवाइड कर देगा। अब इस स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं, काफी स्मॉल स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, कुछ भी खास नहीं किया।
कौन सी ग्रेड ने बनाया जेसन पास के स्ट्रिंग फाइव माई सीक्रेट ने प्रोसेस डॉट ईएमवी जैसे मैंने बताया था और कंसोल कर दिया। ध्यान देने वाली बात है इसको फाइल का मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना कि आपने कैसे सीक्रेट रखा उसको कंज्यूम करना, क्योंकि मैं आपको बैकएंड की एग्जांपल दे रहा था। आप लोग मुझसे पूछेंगे भाई ये बैकएंड में कैसे जाएगा मेरा कोड बेस अलग और ये गिटहब में थोड़ी मैं कोड बेस, तो एक स्टेप ही बताया हूँ। जैसे आपको वहाँ पे आपको कोड बेस आपको ईएनवी प्रोवाइड करवा देनी है और ईएनवी पे कंज्यूम कर लेना, ऐसे करके आप टोकन भी निकाल सकते हैं टोकन डॉट प्रोसेस डॉट ईएनवी रिक्वेस्ट समथिंग करके, ठीक है। तो बस यही है और अब इस कोड को कर देते हैं पुश और लेट्स सी हाउ इट विल लुक ऑन सीआईसीडी साइड। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सचर चेंजेस जो हमें चाहिए थे कोड बेस को सीक्रेट को रन करने के लिए। मूविंग बैक टू एक्शन टैब, मास्टर सीआईसीडी चल चुका है और ये गए बिल्ड प्रेप जॉब, स्टेप का नाम है सीक्रेट वैल्यू, क्लिक करेंगे और देखो रन लाइव से हमारी ईएमवी और माय सीक्रेट नेम स्टार्ट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात आपको उस पर पहले बताता हूँ, जब इस पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि मैंने ईएनवी में ये वेरिएबल प्रोवाइड किया था, शेल भी ये था, नोड ये सी चलाया मैंने कमांड और शेल की ईएनवी है ना, तो यहाँ पे वैल्यू ना गिटहब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जान लेता कि ये सीक्रेट की वैल्यू है तो उसको वो लॉग नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है गिटहब उसे लॉग करता ही नहीं है। आपको कराना है झुक के आपको मल्टीपल स्टेप्स करके करना पड़ेगा, करवा सकते हैं आराम से उसको, पहले किसी और वेरिएबल में ले जाए उस वेरिएबल को उसमें प्रिंट करवा लें उसको कॉपी करके डीप कॉपी करके किसी और में ले जाए, ऐसे करके आप टाइम पास करके काफी स्टेप्स लगेंगे आप करवा सकते हैं। बट अच्छी बात है कि ये कंज्यूम एक्चुअल में होगा अगर आप प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट हमारे लेसन नेम के अगर मान लीजिए जगह पे टोकन होता बैक एंड टोकन अगर आप इसको कॉल करते तो वो कर देता हमसे, बट गिटहब को पता है ये वो वैल्यू है जो प्रिंट करवाना था, तो सीक्रेट का पता है वैसे भी ज्यादा सीक्रेट कंसोल नहीं करता। ये गिटहब की खासियत है कि जो प्रोसेस डॉट ई एन वी के वेरिएबल्स होते हैं उन्हें वो कंसोल नहीं करना पसंद करता, करवाना है आप करवा सकते हैं ठीक है, बट जो सीक्रेट वैल्यू गिटहब इंजेक्ट करते हैं उन्हें नहीं कंसोल करना। दिस इज ऑल अबाउट सीक्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हैं काफी लोग। हम इसके अलावा कुछ थोड़ी सी माइक्रो चीजें और बची हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा माइक्रो चीजें और बची हैं, वो सिर्फ एक कंसेप्चुअल लेवल को बढ़ा देंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देंगे। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने स्टार्टिंग से डिस्कस नहीं किया था, काफी लास्ट में आकर डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल टॉपिक जो इंटरव्यू में आखा जाते आस्क करते हैं इंटरव्यूअर्स आपको कि आप कैसे ही मैनेज करोगे, तो दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट और दिस इज ऑन रिप्रेजेंटेटिव लेवल, यू कैन सेट दिस सीट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल आल्सो और द मास्टर रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो, बट उसके लिए हम लोग सेटिंग्स और टीम्स के लिए कोड स्पेसिस के लिए कुछ अलग अलग हमें जो गिटहब प्रोवाइड करता है उसके लिए जाना पड़ता है, बट दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट एंड यू कैन यूज सेम दिस इंफॉर्मेशन एनी लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय, टेक केयर।